वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गई हूँ मैं। तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं और भी लोगों को लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत सारे इनाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आसमा। आपका नाम? सुनैना। आपका नाम? बिलाल। बिलाल, आई लव योर आउटफिट, ये मैं ले लूँ? वाई नॉट, क्योंकि ये मेला है। चलिए, ये अभी तक आपका, जब तक आपके पास आप मुझे दे दोगे तो मेरा हो जाएगा। मैं आपको गिफ्ट देती हूँ, आप मुझे ये दे दो। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। कितना प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह। ओके जी बेटा, आप कौन सी क्लास में? 3। ओके चले जी, सवाल करते। दोनों में से ज्यादा शरारती कौन है? बिलाल। बिलाल, ओके। मुझे बताएं कि वो कौन सा जानदार है जो स्पेस पे सरवाइव नहीं कर पाता? बहुत सारे जानदारों को हम स्पेस पर लेकर गए, एक्सपेरिमेंट किए, मगर एक है जो सरवाइव नहीं कर पाता, वो कौन सा है? घोड़ा? नो। बर्ड्स? बर्ड्स द राइट आंसर। क्लैपिंग करें, मामा के लिए क्लैपिंग करो। वो हैरान हो रहे, सही जवाब कैसे आ गया? जी मामा को सही जवाब कैसे आ गया? क्या शेयर करेंगे? मैं रेसिपी शेयर करना चाहूँगी जी, सबसे नूडल्स की, कि सबसे पहले आप नूडल्स को बॉईल कर लें, देन आपने जो भी जिस भी किस्म की वेजिटेबल्स डालनी हैं वो कट कर लें, चिकन ले लें, चिकन को सौते कर लें गार्लिक पेस्ट के साथ, देन आप उसमें वेजिटेबल्स डालें, बॉयल नूडल्स डालें, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और अजीनो मोटो है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा जी सिरका, सोया सॉस डालें और आपके 10 मिनट में नूडल्स तैयार हो जाएंगे। थैंक यू, वेरी नाइस। और आप क्या सुनाएंगे? पोइम। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling a lie, no, Papa. It open your mouth, ha, ha, ha. Wow. Very nice. And up. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above, tower so high. Like a diamond in the sky. Wow. Hey, wow, twinkle, twinkle, ka new version. लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी फैमिली थी, बहुत मजा आया, बच्चा तो बड़ा ही क्यूट था। अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल सुनाइए, मगर ऐसे सुनाइए जैसे पता नहीं कौन सी पोइम सुना दी, इतना अच्छा उसका वर्जन सुनाया है। पर फिर कहूंगी कोई और पोइम सीख के आओ बच्चों, मेरे गानों पे रहम गाओ, किसी और से बात करता है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना जुजूर अहमद। राना सुलेमान आफ्ताब। क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 7 में। आप क्या करते हैं? मैंने अभी इंटरमीडिएट एग्जाम्स दिए। दोनों भाई हो? नो, कजन। कजन हो, ओके। इकट्ठे रहते हैं? नो। तो आज कैसे आना हुआ इधर? वो गांव से हमारे मेहमान आए थे, गेस्ट आए थे, कजन है वो भी हमारे, तो वो उनके साथ हम आए, उन्होंने स्क्वायर माइल देखना था तो हमने कहा चले आ लेते। ओके ठीक हो गया। सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? जी जी। मुझे बताएं कि इंसान के अलावा वो कौन सा जानदार है जिसके फेस पे शर्मिंदगी के एक्सप्रेशन नजर आते हैं? एक सैड पर्सन ही होता है। इंसान के अलावा वो जानदार कौन सा है, वो आपने उसे बताना है। इंसान शर्मिंदा होता है तो उसके फेस पे नजर आता है, आप जब शर्मिंदा होते हैं कैसे होते हैं शर्मिंदा? हंसते हैं या क्या? पीछे हो जाते हैं, बस पीछे हो जाते हैं। तो कौन है आपके घर में, आपने कभी देखा कुछ जानवर रखा कभी? यस, बिल्ली या कोई डॉग था, लैब्राडोर। वो कभी देखा था शर्मिंदा? नहीं, वो तो कभी नहीं हुआ। तो फिर सोचे कौन है, वो बिल्कुल भी नहीं है। और कौन है? मंकी। नहीं, वो नहीं होता शर्मिंदा। क्या शेयर करेंगे आप? गाना सुनाएंगे? तेरे सिवा किसको सोचूं मैं, उस सोच पे तुम बैठे हो, सांसें जहां बनती हैं मेरी, उस मोड़ पे तुम बैठे हो, तू मेरे अल्फाजों की तरह, तू मेरे लिहाजों की तरह, गुनगुना तू आजा मैं तुझे, तू मेरे लिहाजों की तरह, ओ आ।
वेरी नाइस भाई, क्लैपिंग करो भाई के लिए. लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. आपका नाम? शैला. शैला. शैला जी क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ. हाउसवाइफ हैं. आज शॉपिंग करने आई हैं? हाँ जी. क्या खरीदने आई हैं? शूज वगैरह. शूज सर्दियों के? हाँ जी. और बेटे की शादी है उसके लिए. अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको. कब है? वो जी 13 को है. अच्छा माशाल्लाह, मुबारक हो. हाँ, खैर मुबारक. चले जी, सवाल करें आपसे. हाँ जी, बस कोई रेसिपी आसान सा मैं करती हूँ सवाल. मुझे बताएं कि जो इंसान है वो एक मिनट में कितने लीटर जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करता है? कोई बात नहीं, रेसिपी बताएंगी? हाँ जी. हाँ जी, मैं शामी कबाब की आपको रेसिपी बताऊंगी. तो उसमें पहले बीफ डालें, बीफ का गोश्त, फिर चने की दाल और लहसुन प्याज अदरक और गरम मसाला डाल दें और फिर उसे बॉईल करने के लिए रख दें. जब वो हो जाएगा तो उसे पीस के और उसके बना लें कबाब बना के और फ्राई करें. ठीक है. कौन घर में शौक से कौन खाता है? सब खाते हैं, पुलाव और शामी. अरे वाह, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए. थैंक यू. बहुत शुक्रिया जी. नाज़रीन, बहुत ही प्यारी सी आंटी थी और जो उन्होंने बताया ना शामी कबाब. अच्छा, शामी कबाब लोग पुलाव के साथ खाते हैं, पता नहीं क्यों. मुझे तो शामी कबाब ब्रेड के साथ बड़ा अच्छा लगता है. आप ब्रेड लेके उस पर शामी कबाब रख के उसको टर्न करके केचप के साथ खाओ. वो एक वो बचपन में वो जो बच्चे लंच बॉक्स में लेके जाते हैं ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है. तो वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए किसी और से बात करके. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? किंजा. किंजा क्या करती हैं? मैं कुछ ट्यूशंस पढ़ाती हूँ. पढ़ती हूँ. टीचिंग पढ़ाती हो? वेरी नाइस. किस उम्र को पढ़ाती हो बच्चों को? सारी इंटर लेवल को. ओ वाह. और आप? अली हसन. कौन सी क्लास में? 5. ये फूल मैं ले लूँ? ले ले. थैंक यू. अच्छा जी, मुझे बताएं अली, आपकी क्लास में जो भी है आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मैथ्स की. नाम बताएं? मिस सुंबल. मिस सुंबल, वो क्यों फेवरेट है? क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह टीच करती हैं. डांटती नहीं है? नहीं. वेरी नाइस. सुंबल, सुंबल नाम है उनका. वेरी नाइस. ओके, और आप कैसे पढ़ाती हैं, डांटती या प्यार से? प्यार से. प्यार से, ठीक हो गया. चलिए मुझे बताएं कि हमारे जो है वो सुनने की ताकत कब जो है वो बहुत कम हो जाती है पूरे दिन में? सोने वक्त. तो सो गए? तो सो गए ना. नहीं पता. क्या सुनाएंगे आप? पोइम. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. अब A wonder world so high, like a diamond in the sky. Wow! Very nice. और आप? मैं ब्यूटी टिप शेयर करना चाहूँगी. अगर स्किन को ग्लो करना हो तो उसमें एलोवेरा में लेमन डाल के कुछ देर स्किन पर लगाया जाए तो इससे ग्लो ज़्यादा आती है स्किन पे. आप करते हो? हाँ जी. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप कहेंगे. जी, बहुत ही क्यूट से जो हैं वो बहन भाई थे और बड़ा मज़ा आया, हमने उनसे बात की. और बच्चों प्लीज़ ट्विंकल ट्विंकल के अलावा भी जो है वो कोई पोइम सीख लो. मैं तो मेरे कान पक चुके हुए हैं ट्विंकल ट्विंकल सुन सुन के. सो प्लीज़ अब कोई और पोइम सीखो. और वो एक आलू के चालू मियाँ कहाँ गए थे, वो लिटरली मुझे इतनी बुरी लगती है ना. तो वो एक आलू के चालू और एक जो है ये ट्विंकल ट्विंकल मैंने नहीं सुननी, किसी और से बात करनी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. आपका नाम? मोहम्मद उस्मान. दुल्ला. आलियाना. कौन सी क्लास में? क्लास 4, 6. भाई हो दोनों? आप क्या करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करते एरिया में. आपके? ये भांजे मेरे. भांजे हैं. ओके जी, मुझे बताएं हमारी बॉडीज की जो दो किडनीज हैं, एक लेफ्ट पे होती है एक राइट पे होती है, कौन सी वाली जो है वो ऊंची होती है, लेफ्ट वाली या राइट वाली? लेफ्ट वाली. सोच रहे हैं? लेफ्ट वाली. क्लैपिंग करें इनके लिए. राइट आंसर. क्या सुनाएंगे आप? मैं रफी का सॉन्ग सुनाता हूँ. थैंक यू. थैंक यू. छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर
मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कह जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलूं पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आपकी गाते रहते हैं? थोड़ा बहुत अपने लिए गाता हूँ बस। वेरी नाइस। और आपने क्या सुनाना है? स्पीच। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। Assalamualaikum. My name is Aleena Haroon and I am class from 4. Respected judges and my all dear fellows, Assalamualaikum. Today I will tell you about the law and justice, laws are rules that are made by government of the country. One purpose is to provide guidelines and help us to keep justice. Justice means to treat everyone fairly under set rules and laws with honesty and respect. Thank you so much. Wow! Amazing, very nice. मुझे बताएं, speech करते रहते हैं आप? Yes. अच्छा, आपको ये बड़ा अच्छा पता है कि आपने तमाम लोगों की तरफ देखना है, मूव करना है, किसने सिखाया? ये मेरी सिस्टर ने। सिस्टर ने, क्या नाम है उनका? ईशा तेर राजिया। Very nice, बेटा, I'm proud of you. The hard news की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी भाई, बच्चे ने तो इम्प्रेस कर दिया मुझे, उसकी बेसिक्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग थी। अच्छा, स्पीच करते वक्त आप ऐसे नहीं रह सकते, लाइक या यू नीड टू लुक अराउंड, आपको हर जगह देखना है, आई टू आई कॉन्टेक्ट करना है। ये स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो आपके सामने ऑडियंस बैठी है उसको आपने अपने साथ कनेक्ट करना है ताकि वो आपकी बात को समझे। ये बहुत अच्छा था बच्चा, बहुत लाइक था, आई एम इम्प्रेस्ड। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमेर। उमेर क्या करते हो? काम करते हो। ओके, ठीक है। उमेर मुझे बताओ, यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो? जी नहीं, दोस्तों के साथ वैसे ही। पिने? अच्छा, वैसे कैसे घूमते हो? शॉपिंग नहीं करी, खाया भी कुछ नहीं? खाया पिया है। अच्छा, खाने पीने आए हो ना, ऐसे को। ओके, क्या खाया? पिज्जा, बर्गर या रोटी छोड़ी? खाया बर्गर। ओके, सवाल करते हैं आपसे, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? सॉरी नो, कोई बात नहीं, क्या सुनाएंगे? सॉन्ग। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं किसी का ना रहा, जरा सा हंस के जो तूने देखा, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। आप भी गाते रहते हैं गाना? जी। कहाँ पे? दोस्तों के साथ स्टूडियो में भी जाते रहते हैं हम। अच्छा, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए थैंक यू। यू वेलकम। जी, बहुत ही प्यारा गाना सुना, ये गाना मेरा फेवरेट है क्योंकि ये गाना मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट टाइम जो है जब सुनाया था तो ये गाना सुनाया था, तो ये मुझे हमेशा से गाना जब भी मैं सुनती हूँ तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। और इस लड़के ने वैसे ही गाना अच्छा सुनाया। आमतौर पर लोग जो हैं, बाकी अक्सर जो लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो नॉर्मल बहुत कम होते हैं, दो चार जो अच्छा गाना सुनाएं, मोस्टली तो अजीब ही कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये वन ऑफ द नाइस में से था। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? सोबिया। जावेद इकबाल। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं।
जी आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, किस पर गई हैं? आंखों का रंग किस पर गया? ये मेरी माँ के ऊपर है। मामा पे आपकी, उनका भी कलर था माशाल्लाह। आप इनकी? ये मेरी बेटी है। आपकी नहीं गई कलर आई? घर में किसी और बच्चे की गई है? नहीं, किसी की नहीं। बेटों की है। बेटों की है, बेटों की। माशाल्लाह। चले जी, मुझे बताएं कि इंसान की बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? मेरे ख्याल मुझे नहीं इसका पता। क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं? जी पढ़ लिया होगा। क्या पढ़ा? BS ऑनर्स। वेरी नाइस। चले जी, क्या शेयर करेंगे आप? गाना एक एक लाइन सुना देता हूँ। चुन लिया मैंने तुझे सारा जहां, रहने दिया। वेरी नाइस। सर आप क्वेश्चन क्या शेयर करोगे? कुछ कोई टोटका बताना था मुझे। मैंने ये बताना था कि अगर कोई सालन अगर जल जाता है तो उसको ठीक करने के लिए उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें तो उससे उसकी जलन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और सालन भी जो है ख़राब होने से। अभी ट्राई किया? जी ऐसा ट्राई करके देखे। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। आपको बताया किसने था? ये जुबैदा आपा का टूट है। चले अल्लाह उनको जन्नत में जगह। थैंक यू जी। ये जुबैदा आपा तो चली गई, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन उनके टोटके जो हैं वो अभी तक बहुत सी जो लड़कियाँ हैं वो आजमा रही हैं, क्योंकि पहले खाने पर ध्यान नहीं देती हैं, फिर जब जल जाता है तो फिर दूध डाल देती हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो करती रहती हैं, या कभी नमक ज़्यादा हो तो आटा डाल देती हैं। आई प्रेफर, खाना बनाने में 1 आवर भी नहीं लगता, ठीक है? तो अगर आप एक दफ़ा अच्छे से खाना बना लो तो ये करने की क्या ज़रूरत है टोटके शोटके, तो फोकस। हाँ, कभी गलती से हो जाए तो एक अलग बात है। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सलास्टर ब्रेक का।